दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति अपने आप को आकर्षक बनाए रखना चाहता है और इसके लिए वो न जाने क्या क्या उपाय करता है ताकि खुद को सबसे अलग बना सके। ऐसे में लोग जिम में दिन रात एक कर देते हैं ताकि फिटनेस को लेकर कोई शिकायत ना हो, चाहे बात बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की। हर कोई अपनी बॉडी को बेहतरीन बनाना चाहता है और दोस्तों आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जिनके विशालकाय मसल्स को देखकर आप उनके दीवाने जरूर हो जाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिच पियाना की। बिजनेसमैन और अमेरिकन बॉडी बिल्डर रिच पियाना, जिन्होंने सन 2003 से लेकर 2009 तक की बॉडी बिल्डिंग करियर में मिस्टर कैलिफोर्निया और कई अन्य खिताब भी जीते हैं, इनका शरीर बहुत ही भारी भरकम था और ये उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स में से थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। और दोस्तों स्टेरॉइड्स लेने की वजह से इनका शरीर तो बन गया लेकिन इसकी इनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाल ही में 25 अगस्त सन 2017 को इनका शरीर बाथरूम में मृत पाया गया। काइग्रीन, दोस्तों काइग्रीन की लंबाई 5 फुट 6 इंच है और वजन लगभग 130 किलो के आसपास है। ये अपने सर पे एक लंबी चोटी भी रखते हैं जिससे इनका लुक और भी ज्यादा घातक दिखता है। और हम आपको बता दें कि काइग्रीन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक पर्सनल ट्रेनर, आर्टिस्ट और एक्टर भी हैं। मॉर्गन एस्टे, दोस्तों मॉर्गन को यूएसए का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर माना जाता है। इनकी लंबाई 6 फुट 3 इंच है और इनका वजन 140 किलो है। मॉर्गन जब आम लोगों के सामने से निकलते हैं तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और हम लोग मॉर्गन के इतने विशालकाय शरीर को देखकर हैरान भी हो जाते हैं कि कोई कैसे इतना विशालकाय और ताकतवर हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि इनके बाइसेप्स की साइज 25 इंच है तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि अगर किसी 28 इंच के कमर वाले इंसान के सामने इनको खड़ा कर दिया जाए तो इंसान कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आपको भी मॉर्गन की बॉडी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पॉल डिलेट, दोस्तों पॉल डिलेट कैनेडियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने 1993 के दौरान बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था। और दोस्तों इनकी लंबाई 6 फिट 6 इंच और वजन 140 किलोग्राम के करीब है और इनकी बॉडी को देख के इनके शरीर के तकरीबन हर नस को गिना जा सकता था। और दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास में इन जैसी बॉडी बहुत कम लोग ही बना पाए। रॉनी कोलमैन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनसे हर कोई वाकिफ है। रॉनी कोलमैन 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीत चुके हैं और इनके नाम कई वेटलिफ्टिंग रिकॉर्ड्स भी हैं। आपको बताएं कि उन रिकॉर्ड्स को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और इन्होंने 1998 से लेकर 2005 तक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी की और इस दौरान कोई भी अन्य बॉडी बिल्डर इन जैसी बॉडी नहीं बना पाया। तो दोस्तों इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।